तो गाइस इस थीम के बारे में मेरे को कल से कमेंट आ रहे हैं, काफी लोग डीएम कर रहे हैं कि भाई इस थीम का नेम हमें बताओ, इसके अंदर क्लॉक कितनी ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे आइकॉन पैक है और स्टेटस बार के आइकॉन्स भी आप देख सकते हो। इसी के साथ एक बोनस थीम आपको बताने वाला हूँ जिसको डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि उसमें इससे भी ज्यादा बेटर आपको चीजें देखने को मिलती है और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और थीम के नेम वगैरह सब कुछ बता दूंगा भाई, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना। और HyperOS 1.5 के लेटेस्ट सिस्टम अपडेट्स को अपने Xiaomi फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, कल वीडियो चैनल पे मैंने जो है डाल दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले थीम की बात करेंगे, अगर आप थीम स्टोर के अंदर जाओगे तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा AI ग्रे UI, उसके बाद यहाँ पे आपको 15 टाइप करना है तो ये थीम आपको मिल जाता है। इसका सिंपली हमें यहाँ पर जो है फुली इसको अप्लाई कर लेना है जैसे मैंने अभी कर रखा है और इस वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसको सिंपली हम जो है होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप कर लेंगे जैसे अभी मैंने कर रखा है। सबसे पहले देखो इसके जो आपको यहाँ पर स्टेटस बार के आइकॉन्स आप वो काफी कमाल के मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइकॉन्स और कंट्रोल सेंटर आपका चेंज हो जाएगा, इसको आप MIUI 14 और HyperOS दोनों में ट्राई कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। इवन MIUI 14 में थोड़े से बेटर तरीके से ये काम करता है। क्लॉक काफी अच्छी है, यहाँ पे मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे डायनेमिक क्लॉक आपको देखने को मिल जाती है। आइकॉन पैक काफी बढ़िया आपको मिल जाता है, थोड़े और आइकॉन्स आप देख सकते हो लाइक यहाँ पे डायनेमिक टाइप आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पर भी इंटरफेस आपका चेंज्ड है, यहाँ पर आइकॉन्स अपडेटेड है, लेआउट पूरा का पूरा चेंज इन्होंने कर रखा है। अगर आप टॉगल्स को देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे टॉगल्स हैं, ये वाले जो आपको यहाँ पर स्लाइडर्स मिलते हैं ये भी आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छे एस्थेटिक्स डाले हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसका डायलर देख सकते हो भाई, काफी क्लीन और काफी अच्छा मेरे को देखने को मिला। उसके बाद ये मैसेजिंग ऐप है, ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर और देखने को नहीं मिलते। मैं आपको इसकी कस्टमाइजेशन में ले चलता हूँ तो स्टेटस बार मैसेजिंग में डिफॉल्ट रहेगा, उसके बाद डायल पैड और फेवरेट स्ट्रे हुई ये सब चीजें आपकी चेंज होने वाली है और ये कस्टमाइजेशन बेस्ड आपको जो है थीम देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसमें लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलती। प्रोबेबली ये MIUI 14 में आपके लिए कुछ और चीजें अनलॉक कर दे बट HyperOS में सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको इस थीम में देखने को मिलता है। अब दूसरे थीम के ऊपर चलते हैं। दूसरा जो थीम है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मोकर्ट UI, जो कि आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से है और यहां पर मैं इसको फुली अप्लाई करने वाला हूं आपके सामने। एंड ये थीम भाई डेफिनेटली ट्राई करना, स्पेशली इसका जो क्लॉक है वो आप देखो और इसके जो आइकॉन्स है ना इनमें एनिमेशन देखो, एनिमेशन में आपको आइकॉन के अंदर जो है एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है, उसी के साथ क्लॉक भी देख सकते हो काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। और मैं आपको यहाँ पर आइकॉन्स दिखा देता हूँ, ये काफी बढ़िया आइकॉन पैक के साथ आपको मिलता है। डायलर में हालांकि यहाँ पर कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये आपके जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कस्टमाइज पे जाते हो यहाँ पे स्टेटस बार में भी कोई थीम नहीं मिलता, बट अगर आप चाहते हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ये कलर्ड टाइल्स V15 का यहाँ पर स्टेटस बार जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ऐसे आपको जो है आइकॉन्स के साथ मिल जाएगा और देख सकते हो आपका कंट्रोल सेंटर है उसके भी आइकॉन्स यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। आइकॉन्स मैंने आपको दिखा दिए, लॉक स्टाइल ऑफकोर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, डायल पैड आप भाई पहले वाले थीम का यूज कर सकते हो जो कि ये वाला है और ये काफी स्लीक एंड क्लीन आपको मिल जाता है। उसके बाद फेवरेट स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी, ये स्पेशली उनके लिए है भाई जिनको आइकॉन पैक बेस्ड थीम चाहिए और इनमें एनिमेशन देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो हमारे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वाले हैं, बाकी इनमें जो है ओवरऑल आप एनिमेशन देखना कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं और ये काफी ज्यादा सुपर स्टनिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो दो थीम्स हैं, थीम स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएंगी, आप इनको अप्लाई करो, मेरे को कॉमेंट्स में बताना ये थीम आपको कैसे लगे। और इंटरेस्टिंग थीम्स के लिए मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है HyperOS थीम का, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।